हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं भावना खुराना और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में। वी जस्ट फिनिश्ड फिल्मिंग अ वीडियो ऑन एफआरएम कोर्स। इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, चेक इट आउट। वी जस्ट फिनिश्ड फिल्मिंग इट विद आशीष हु इज आवर गेस्ट फॉर टुडे। और अब हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। पहले मैं आपको बता दूं आशीष का बैकग्राउंड। आशीष एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक सीएफए है, एक एफआरएम है और फिर उसके बाद एक एमबीए भी है फ्रॉम आईआईएम कलकत्ता। सो अ वेरी रिच प्रोफाइल, अ वेरी रिच बैकग्राउंड। अगर नॉलेज की बात करें तो उसकी तो कोई कमी नहीं है। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इनसे बेटर कोई है नहीं जो इन तीनों डिग्रीज को कंपेयर करके ये बता पाए कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसने के लिए कौन सा रास्ता सबसे सही और सबसे बेहतर है। आज का हमारा पूरा वीडियो हिंदी में होगा फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। सो यस, वेलकम आशीष एंड थैंक यू फॉर कमिंग बैक फॉर दिस वीडियो। थैंक यू भावना फॉर इनवाइटिंग मी। ग्रेट। सो आशीष, अगर आपकी बात करें तो आपने प्रोफेशनल डिग्रीज लिए, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया, आपने सीएफए किया, फिर आपने कहीं ना कहीं एफआरएम किया, आपने सीएस भी किया। तो ये सब प्रोफेशनल डिग्रीज, फिर आप वर्क एक्सपी, मतलब आपका काम चल रहा था, आपकी जॉब चल रही थी गोल्डमैन में, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं ये जरूरत लगी कि एक एमबीए करा जा सकता है या एक एमबीए करने की जरूरत है। ये थॉट प्रोसेस के बारे में थोड़ा बताइए। सो जब मैंने मेरी सीएस सीएफए एफआरएम क्लियर कर लिया था, सो देन अगेन मैं जब जॉब्स खोज रहा था तो बिफोर मेरे सीए कंप्लीट होने के पहले मुझे जॉब्स ऑफर हो गए थे, लेकिन मेरा माइंडसेट था कि नहीं यार सीए करके जॉब लेते हैं। सो सीए करके मुझे कैंपस में दो या तीन ऑफर्स मिल गए थे। तो आई हैड चूज, मैंने एक आईटी कंपनी को हाँ बोल दिया था कि यार आई वुड बी ज्वाइनिंग देम, बट उसके बाद मुझे पता चला कि यार गोल्डमैन में वैकेंसी है। मैंने अप्लाई किया ऑफ कैंपस एंड जो उनका एक ऑन कैंपस ड्राइव भी होता है, बट आई कुडंट बिकम अ पार्ट ऑफ इट ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। तो मैंने ऑफ कैंपस गया, आई गॉट सेलेक्टेड एंड मैं वहाँ आई वॉज वर्किंग देयर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। सो अगेन जैसे लोगों में अभी भी एक बहुत एक माइंडसेट होता है कि नहीं यार ओके इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोई इन्वेस्टमेंट बैंक तो वहाँ जाके मैं डेली डील्स क्रैक कर रहा हूँ, बड़े बड़े डील्स करा रहा हूँ। सो नॉर्मली जब मैंने जब अपना जॉब स्टार्ट किया, सो आई रियलाइज दैट कि नहीं यार एक इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करना और एक इन्वेस्टमेंट रोल आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स। सो नॉर्मली जो नॉर्मली बैंक और ऑफिस होते हैं सारी एमएनसीज के, सारे फाइनेंस कंपनीज के, दैट इज मोर एन इन्वेस्टमेंट बैंक हैविंग एन ऑफिस, बेंगलोर में ऑफिस रखते हैं एंड उसमें वेराइटी ऑफ काम होता है। नॉर्मली कोई भी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब होती है वो मुंबई से होती है। सो दो साल में मैं रियलाइज किया यार नहीं, मुझे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब करना है या मुझे एक मोर फ्रंट एंड जॉब चाहिए वेर मैं क्लाइंट कर रहा हूँ, क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। सो मैंने और स्टार्ट किया सर्च करना वगैरह। सो मैंने जब जॉब भी ऑल्टरनेट सर्च करना चालू किया, सो आई मुझे मिल जा रहा था कोई फ्रंट एंड जॉब, बट मुझे लगा कि नहीं यार इफ कोई एक देयर इज अ रीजन कि लोग एमबीए या ये सब जो कंपनीज है बी इट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विद द टॉप कंसल्टिंग फर्म्स, ये लोग एमबीएस को हायर करते हैं फॉर अ रीजन। ऐसा नहीं है कि कोई एमबीए जस्ट बिकॉज कोई एमबीए किया उसको हायर कर दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इज दैट यार वो एमबीए में कुछ तो होगा कि लोग इनको हायर करना प्रिफर करते हैं। सो उस पॉइंट मैंने डिसाइड किया है कि रादर देन अभी मैं एक फ्रंट एंड जॉब ले लूँ एंड ऑन द जॉब रियलाइज करूँ कि मेरे पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है या मेरे पास कोई अदर स्किल्स नहीं है, लाइक सॉफ्ट स्किल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू आर हैविंग अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पॉइंट मैंने रियलाइज किया है कि चल दो साल बाद कोई फ्रंट एंड जॉब ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब मैं ज्वाइन करूँ उस जॉब को मैं वेल इक्विप्ड हूँ, आई हैव द सफिशिएंट नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एंड मतलब जो भी एक चाहिए उस जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए मेरे पास वो हो। सो उस पॉइंट पे डिसाइडेड कि नहीं यार लेट्स कैट एग्जाम देते हैं एंड देखते हैं कि यार होता है ना कि अगर हो जाएगा तो लेट्स गो टू अ ट्राई टू गेट इन टू अ गुड एमबीए कॉलेज एंड देन प्रॉब्ली विल मूव टू अ फ्रंट एंड रोल। तो उस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि कैट देते हैं। मैंने तीन चार महीना कैट के लिए पढ़ाई की, काफ़ी डर था कि यार नॉन इंजीनियर हूँ, क्वांट्स बहुत हैवी होता है तो कैसे कर पाऊंगा, बट हाँ मतलब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 98.90 परसेंटाइल मिला,
I had calls from all the MBA, all the top MBA colleges. मैंने IIM Calcutta prefer किया being a finance enthusiast, and फिर मैंने IIM Calcutta join किया, and वहाँ से I got a placement into a top consulting firm recently. Awesome, amazing. So आपने 3 to 4 months CAT की preparation करी, 99.90 percentile आप लेके आए, आपको almost सारे top colleges इंडिया में जितने थे आप सबने आपको कॉल करा और आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में था, इसीलिए आप IIM Calcutta चूज करके वहां गए. एंड नाउ यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर. अब आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ प्लेस्ड हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं. यस, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, बहुत लोग आज कंपेयर करने में लगे हैं यार कि प्रोफेशनल डिग्री हो गई, CFA हो गया, CA हो गया, हमको ये वाले फाइनेंस रिलेटेड रोल्स क्यों नहीं मिल रहे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड रोल्स क्यों नहीं मिल रहे, MBA करना जरूरी है क्या? ये एक मिथ बना के रखी है, या कहूँ एक डिलेमा बना के रखा है यार, कि समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते जाए अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो. मुझे और हमारे दर्शकों को इनफैक्ट इस चीज का जवाब चाहिए कि यार MBA करना जरूरी है क्या? या सो फर्स्टली अगर हम करिकुलम देखते हैं, CA या जो लोग CA परज्यू कर रहे हैं, CFA परज्यू कर रहे हैं, उसमें बहुत हैंडफुल लोग होते हैं जो प्रॉपर अंडरग्रेड करके आ रहे हैं. सो अनटिल कोई DU से पढ़ रहा है या कोई सेंट जेवियर से पढ़ रहा है, मेजोरिटी लोग ने अंडरग्रेड को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. वो आइदर डिस्टेंस कर लेते हैं या बस थोड़ी बहुत होता है ना, एग्जाम के दिन जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो उन्हें वो क्लासरूम एक्सपीरियंस नहीं मिला है. सो सिमिलरली जब हम CA या CFA को देखते हैं, इनके क्लासरूम प्रोग्राम्स नहीं है. आप इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो, वो आपको मटेरियल भेज दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, एग्जाम को रजिस्टर करके एग्जाम दे आ रहे हो. सो जितना भी आपका नॉलेज है काफ़ी थ्योरेटिकल नॉलेज है. इवन अगर CA आर्टिकलशिप कराता है, सो आर्टिकलशिप इज अगेन अब मेजोरिटी हमारे में जितने भी CA लोग होते हैं या जैसे मैं भी था, हम फोकस करते हैं जो आर्टिकलशिप रहती है, या तो हम ऑडिट कर रहे हैं या हम टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, या कोई बहुत कुछ लोग लकी होते हैं तो वो जाके मर्जर एंड एक्विजिशन या वैल्यूएशन कर पाते हैं. अगेन उसमें भी हम देखेंगे तो बहुत हैंडफुल लोगों को ऑडिट या टैक्स छोड़ के चांस मिलता है. अब आर्टिकलशिप में भी द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर जो मिलता है, कुछ कुछ फॉर्म्स में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन काफ़ी टेक्निकल काम रहता है कि यार एक पैटर्न बना हुआ है या एक नॉलेज बेस बना हुआ है, आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये हो जाता है. लेकिन आज के दिन में आप कोई भी टॉप जॉब देखोगे, वहाँ पर खाली फाइनेंस से आप नहीं काम कर सकते. ऑल द डिपार्टमेंट्स नीड टू कम टुगेदर टू कोई भी चीज़ को करने के लिए. सो MBA और बाकी कोर्सेज में बिगेस्ट डिफरेंस यही है कि यार MBA 2 साल का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है. आप वहाँ पर क्लास में लर्निंग्स होती है, आपके पास क्लास में सुबह 8 से 4 का टाइम रहता है, तो ऐसा भी नहीं है कि टीचर के पास या जो प्रोफेसर के पास कोई लिमिटेड टाइम है जिसमें उसे करिकुलम कंप्लीट करना है. एंड ऐसा भी नहीं कि टीचर खाली ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, तो इट्स अ मिक्स ऑफ यार सिमुलेशन चल रही है, केस स्टडी चल रही है, एक्ट चल रहे हैं, हमें PPTs प्रेजेंट करने चल रहे हैं, हमें आइडियाज प्रेजेंट करने पड़ रहे हैं, हम केस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं MBA में. सो एक लौता ऐसा नहीं है कि MBA में जो टीचर पढ़ाया उसी से आपने सब कुछ सीखा. सो उसको छोड़ के भी अलग अलग तरीके से आपके अलग अलग बैकग्राउंड से दोस्त हैं, इंजीनियर हैं, अलग अलग कंट्री के पार्ट से आ रहे हैं, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव है. सो MBA में ऐसा नहीं है कि MBA में आपको कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल कुछ सिखाते हैं, लेकिन रादर देन जस्ट टीचिंग यू स्पेसिफिक कोर्स की फाइनेंस पढ़ा रहे हैं या कोई ऑडिट पढ़ा रहे हैं, दे टीच यू एन एम्बिट ऑफ ऑपरेशंस की यार एनवायरमेंट कैसे क्या कैसे चलाना रहता है एक बिजनेस को, बिजनेस की ऑपरेशंस कैसे चलती है, बिजनेस का सप्लाई चेन कैसे चलता है, बिजनेस मार्केटिंग कैसे करती है, बिजनेस प्रोडक्शन कैसे करता है, एंड बिजनेस फाइनेंस और नीचे एंड लाइन तक कैसे आता है. सो ये सबसे बड़ा बिटवीन चाहे वो देखें MBA से रेजिडेंशियल प्रोग्राम, वहाँ पर आपकी क्लास लर्निंग्स बहुत ज़्यादा होती है, बीच में आप 2 महीने की इंटर्नशिप करने जाते हो, आप लोगों से सीखते हो. सो द वे जो लर्निंग होती है या द करिकुलम है या जो कम्प्रिहेंसिवनेस है कोर्स का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है CA, CFA और MBA में. एंड आई बिलीव यही रीज़न है कि जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ टॉप MBA कॉलेज इज थोड़ा अलग है बाकी CA और CFA से. सो ये रेजिडेंशियल और जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, आप जितना टाइम स्पेंड करते हो कैंपस के अंदर, दोस्तों से इंटरेक्ट करते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, पूरे 2 साल में हम 2 बार प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं, समर प्लेसमेंट्स, फाइनल प्लेसमेंट्स, तो उसमें हम लिटरली हम 30-40 कंपनी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, 50 इंटरव्यूज दे देते हैं, फोन कॉल्स, बडी कॉल्स, टेलीफोनिक इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू,
तो जब तक हम वो 2 साल से निकलते हैं या जब तक कोई भी एक एमबीए कैंडिडेट 2 साल बाद निकलता है, तो इट्स लाइक कि लिटरली वैसा हुआ था कि यार एक आलू घुसा था और पूरा फ्रेंच फ्राइज होता है, चीज बर्स्ट फ्रेंच फ्राइज निकला है 2 साल बाद. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कि यार सीए सीएफए और एमबीए में क्या डिफरेंस है. Understood. मतलब 2 साल की कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ, जो आप केस स्टडीज कर रहे हो, प्रेजेंटेशंस कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, इंटरव्यूज कर रहे हो, कुछ इवेंट्स होते होंगे उनमें पार्टिसिपेट करते होगे, उनको ऑर्गेनाइज करते होगे, ये सब जो एक्सपोजर है, नो डाउट एक प्रोफेशनल डिग्री, सीए हो गया, सीएफए हो गया, एफआरएम हो गया, ये सब डिग्रीज वो एक्सपोजर नहीं दे सकते. एंड यू राइटली सेड कि यार कई लोग सीए में अंडरग्रेड तो कर ही नहीं रहे हैं. Most of the people are pursuing a distance learning education. कहीं ना कहीं एक correspondence course कर रहे हैं क्योंकि articleship साथ में करनी पड़ती है, कैसे करें, which is fine. लेकिन फिर अगर आपके पास वो exposure नहीं है तो आप कैसे expect कर सकते हो कि आपको उस type के roles मिलें. बिल्कुल सही बात है. तो हम अगर एक तरह से इस बारे में कंक्लूड करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंस रिलेटेड डिग्रीज जो हो गई, सीएफए हो गया, ऑडिटिंग अश्योरेंस अकाउंटिंग डिग्री सीए हो गई, या रिस्क मैनेजमेंट डिग्री एफआरएम हो गई, या इंटरनेशनल डिग्रीज हो गई एसीसीए सीपीए, ये सारी जो डिग्रीज हो गई हैं, ये कहीं ना कहीं काफी नहीं है आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल में लैंड अप करने के लिए, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर. राइट. सो लाइक अगर आप देखोगे कि लाइक इफ यू लुक एट द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, तो कुल में मेरा पर्सनल मानना है कि यार पूरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रही है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई इन्वेस्टमेंट बैंक बैंगलोर में लोकेटेड है या कोई इन्वेस्टमेंट बैंक में और डिविजन है, जो हार्ड कोर फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रही है, मेरे ख्याल से वो इंडस्ट्री पूरा 1400-1500 लोगों का होगा इंडिया में, वो भी मैं अपर साइड में बोल रहा हूँ. सो इवन इफ वी टॉक अबाउट कि यार 6-7% से वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो हर साल 90-100 अपॉर्चुनिटीज आ रही है सामने. तो अगेन अगर एक कंपनीज को हायर करनी है, इन्वेस्टमेंट बैंक हुआ या कोई भी टॉप कंसल्टिंग फर्म हुआ, उन्हें पैसे देने से प्रॉब्लम नहीं है. तो सीए की प्लेसमेंट से हम देखते हैं कंपनी 7 देगी 7.5 देगी, उसमें झगड़े कर रहे हैं. यहाँ पर उनको पैसे देने से प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस ऐसा कैंडिडेट चाहिए कि जब यार वो क्लाइंट के पास जाके या बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ से बात करें तो वो कंपनी का ही डज नॉट मेक अ मेस ऑफ द कंपनी. क्योंकि वेन हम में से कोई कंपनी जा रहा है कंपनी को, तो हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो व्हाट वी डू देयर रिप्रेजेंट्स की कंपनी क्या है. सो उनको इस बात की काफ़ी चिंता रहती है. सो नॉर्मली क्या होता है कि इस ये जो 100 रोल रहते हैं, इसमें मेजॉरिटी एमबीएस हायर होते हैं. हाउएवर कुछ सीएस भी हायर होंगे या कुछ सीएफएस भी हायर होंगे, बट इफ यू लुक एट जो वो सीए या सीएफए हायर होते हैं, वो लोग रहते हैं कि जिन्होंने खाली टेक्निकल सीएफए कोर्स या टेक्निकल सीए कोर्स नहीं किया है, उन्होंने साथ में अपनी पर्सनालिटी पे वर्क किया है, उन्होंने साथ में फाइनेंशियल मॉडलिंग पे वर्क किया है, दे आर अवेयर कि इंडस्ट्री में क्या चल रही है, कोई इंडस्ट्री है तो उसकी क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है या हाउ डज द थिंग ऑपरेट. सो वो बंदे होते हैं लाइक सी एस सी एफ जो जा रहे हैं एंड अप गोइंग इनटू द प्रॉपर फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या टॉप कंसल्टिंग फर्म्स आर दोज यार की दोज पीपल की जिन्होंने अपने टेक्निकल कोर्सेज छोड़ के या टेक्निकल एग्जाम्स क्लियर करने के अलावा भी वो अवेयर है कि यार कहाँ पर क्या चल रहा है, कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो वो सब कोप अप किए जा रहे हैं. सो आज एक प्रॉब्ली कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर हो या टॉप कंसल्टेंट हो या कोई प्राइवेट इक्विटी पर्सन हो, तो ही नीड्स टू बी अवेयर यार अराउंड सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, बिकॉज अगेन उसी में से उसे काम करना है, उसी अपॉर्चुनिटीज उसको उसे अवेल करने हैं. सो मेजोरिटी ऑफ द सी ए जो लोग सी एफ ए भी कर रहे हैं इंडिया में, वो नहीं होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि यार ओके आज क्रूड की प्राइस गिरी है तो किस कारण से गिरी है या इस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट आएगा. सो आई थिंक जो लोग यूजुअली सी एस सी एफ ए में भी ये सब अवेयर रहते हैं, दे आर कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन कि नए स्किल्स को डेवलप करो, चलो फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखते हैं, चलो ये सीख लेते हैं, या खाली उनका एक वो माइंड सेट नहीं कि चलो डिग्रीज ऐड करनी है, बट हाँ जो टेक्निकल्स कर रहे हैं आई बिलीव उनके साथ काफ़ी वो अच्छे लेवल पे उन्हें भी मिल जाती है. लेकिन हाँ मेजोरिटी ऑफ द हायरिंग इज डन फ्रॉम एमबीए कॉलेजेस. रीजन एक ही है यार, जो एक एमबीए लाइक अगर हम टॉप 6 एमबीए कॉलेजेस देखते हैं इंडिया की, वो एक कैट का प्रोसेस क्लियर करके आए हैं. 2 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, मेजोरिटी टॉप कॉलेज के इंजीनियर्स थे, थोड़े बहुत सीए बीकॉम बीए वालों ने दिया. उसके टॉप 2000 बच्चे या टॉप 3000 बच्चे ये टॉप 5-6 कॉलेज में जा रहे हैं. तो एक बहुत बड़ा फिल्टर लग चुका है कि यार कैट इन्होंने दिया. एक सेकेंड फिल्टर लग गया है कि ये उनमें टॉप 1-1.5% में थे. अब कॉलेज में भी जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सबको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या सबको कंसल्टिंग फर्म्स ले जा रही है. सो
तो टॉप कॉलेज में भी आप जा रहे हो तो उसमें भी जो टॉप 10% 20% 30% लोग होते हैं उन्हें एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या कंसल्ट की जॉब मिलती है। तो आप जब देखते हो कि यार कितने लेवल्स पे फिल्टर्स हो चुके हैं, सो जो एंड प्रोडक्ट रहता है वो क्लिक के जो एंड में कैंडिडेट चाहते हैं वो काफी स्किलफुल रहते हैं या काफी टेक्निकल से आते हैं, काफी स्किल्स लेके आते हैं, तो ये मेजर डिफरेंस रहता है। एंड सीएस भी जाते हैं, सीएस सीएफएस भी जाते हैं, बट दोज आर दोज पीपल जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी किया है रादर देन जस्ट पासिंग द एग्जाम। Agreed, absolutely. और इस पॉइंट पे मैं अपनी ऑडियंस को ये बता दूं कि आपको पता है कि हम ये वीडियो रिमोटली शूट कर रहे हैं। आशीष वॉज वेरी काइंड टू अग्री टू शूटिंग द वीडियो एंड ही इज लॉग्ड इन फ्रॉम हिज हाउस, आई एम लॉग्ड इन फ्रॉम माय हाउस, सो यू माइट फेस आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है या इंटरनेट इश्यू आ रहा है, प्लीज बेयर विद इट, बिकॉज ये वीडियो में जो कॉन्टेंट है ना ये आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा। ये कॉन्टेंट आ रहा है सीधे एक ऐसे प्रोफेशनल से जिसने अपनी लाइफ में वर्क एक्सपीरियंस के साथ कुछ ऐसी डिग्रीज ली है जो लोग सिर्फ सोचते हैं लेने का, एक MBA IIM कलकत्ता से एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद वो अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस और नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। यस, नाउ कमिंग टू आर नेक्स्ट यू नो डिस्कशन, आशीष ये धारणा है दैट एक इन्वेस्टमेंट बैंक हो गई या एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल हो गया, इसमें कई लोग ना बहुत ज्ञान देने बैठे हैं इंटरनेट पे, सो मेनी मिथ्स आर देयर फ्लोटिंग इन द एयर, कहीं ना कहीं एवरीबडी इज ट्राइंग टू से कि यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर लो आप बड़ा पैसा कमा लोगे लाइफ में, आपको बड़ी अच्छी लाइफ मिल जाएगी, मतलब जितना हो। मेरा पॉइंट बस ये है कि सब लोग ये बात कर रहे हैं कि वो कितना आपको पैसा देगा या कितना ल्यूक्रेटिव है वो जॉब, पर वो जितना स्ट्रेस लेके आता है आपकी लाइफ में या जितने वर्क आवर्स आपको देने पड़ते हैं, यू आर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसिंग दैट, सो वो एस्पेक्ट्स को डिस्कस नहीं करता और क्या वो वर्थ इट है उसके लिए परस्यू करने के लिए। यस, तो इफ वी लुक एट कोई भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब अगर हम देखते हैं, सो आप जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं फर्म्स के साथ वो आपको क्लियरली हर लेवल पे बोलेंगे, वो नॉर्मली एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिलेक्शन के लिए 7-8 राउंड 10 राउंड इंटरव्यूज होते हैं, आप हर टीम के हर एक मेंबर से मिलते हो, क्योंकि अगर आप दिन में 15-16 घंटा एक टीम के साथ बिता रहे हो तो एक माइंडसेट होता है कि नहीं यार हमें देखना है कि हमारे साथ एडजस्ट कर लेगा ना या पर्सन ठीक है ना, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स बहुत लोग लेके आ रहे हैं तो कौन उसमें से हमारी टीम में बेस्ट फिट बैठेगा। तो नॉर्मली 7-10 राउंड तक इंटरव्यूज होते हैं, हर इंटरव्यू राउंड में आपसे एक क्वेश्चन वो श्योरली पूछते हैं, यार तुम्हें वर्क आवर्स पता है ना, एंड तुम्हें वर्क आवर्स पता है तो तुम कंफर्टेबल होना। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब मिनिमम साइड में आपसे हफ्ता में 90 hours to 100 hours काम कराएगा, एंड इट्स नॉट कि कोई वो आपसे पत्थर तोड़वा रहा है, इट्स जस्ट दैट कि यार कोई इन्वेस्टमेंट या कोई डील अपॉर्चुनिटी आई है, दैट टर्न अराउंड टाइम इज वेरी हाई एंड देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो कम्पीट कर रहे होते हैं सेम डील के लिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपके पास कोई डील अपॉर्चुनिटी आना सैटरडे को आप बोल रहे हो नहीं यार मैं तो मंडे ट्यूजडे तक रिवर्ट करूंगा, नहीं, तो आपको सैटरडे को डील अपॉर्चुनिटी आई है तो आपको संडे को काम करना पड़ेगा उस पर। तो काफी, और गिवन की जो इंडिया जो स्थिति पे है, अ लॉट ऑफ डील्स आर देयर कंटिन्यूसली गोइंग अक्रॉस इंडिया अक्रॉस सेक्टर्स, सो काम बहुत है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पर टर्न अराउंड टाइम काफी कम रहता है। सो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो हफ्ता में 100 घंटा या मिनिमम 90 घंटा तो काम कर ही रहे हो। एंड ऐसा नहीं है कि कोई हिडन फैक्ट है ये, कोई भी अगर आपको कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं वो आपको हर लेवल पे लोग बोलते रहेंगे, जूनियर एनालिस्ट लोग भी बोलेंगे, सीनियर डायरेक्टर भी आपको बोलेगा कि यार हमें ऐसा केस नहीं चाहिए कि वी आर स्पेंड द टाइम कि हम आपको हायर कर रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग यू ऑन बोर्ड एंड आप यहाँ के काम देख के बाद में बोल रहे हो नहीं मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। अगेन ये कुछ अच्छी बातें हैं कुछ गलत बातें हैं, हर एक जॉब के पर्क्स होते हैं, पे इसमें स्काई रॉकेट हाई रहता है, कुछ लोग वर्क ओरिएंटेड रहते हैं या वर्क के लिए पैशनेट रहते हैं तो उन्हें नहीं प्रॉब्लम होता 14-15 घंटा दिन में काम करने के लिए, एंड मॉनिटरी इज डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आई गेस जो एक नॉर्मल एवरेज सीए कैंपस प्लेसमेंट होता है उस कंपैरिजन में आपको 7x-8x पेमेंट मिलती है एक इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल के लिए। तो वो लोगों को अलग अलग मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, जो वर्क ड्रिवन और पैसे ड्रिवन होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जॉब है, कुछ लोग वर्क लाइफ बैलेंस खोजते हैं तो वो एकदम स्ट्रिक्ट नो नो है उनके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब में जाना। एंड अगेन आप कोई वीडियोज में भी देख रहे हो कि नेट पे कि कोई इतने काम नहीं होते हैं, 10-12 घंटा भी नहीं होते हैं, 10 घंटा होता है, नहीं यार
सो सबसे पहली चीज आप बैंगलोर ऑफिस और मुंबई ऑफिस में डिफरेंस समझो. बैंगलोर ऑफिस इज नॉर्मली अ फेडरेशन ऑफिस, या कुछ लोग अनोइंगली केपीओ बोल देते हैं, नहीं वो फेडरेशन ऑफिस है. आप एक सपोर्ट रोल कर रहे हो, तो एक अगर होता ना आप सपोर्ट कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट की डील्स हो जाए, कैरी आउट हैं, आप ज्यादातर दो स्क्रीन में लेकिन नहीं आप देखो डील नहीं करा रहे हो बैंगलोर ऑफिस से. वेरी फ्यू इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर देयर जो बैंगलोर या आउट ऑफ मुंबई बेस्ड है, बट मेजॉरिटी मुंबई बेस्ड है. सो व्हेनेवर इफ यू हैव अ फ्रेंड टेलिंग कि यार वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, इतने पैसे मिलते हैं, दैट्स अ मिथ, या इतने लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, दैट्स अ मिथ, जस्ट इंश्योर दैट कि यार अगर वो बैंगलोर ऑफिस में है, वो जस्ट एक मान लो वो हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नहीं कर रहा है. इवन आई एम नॉट डिग्रेडिंग कि बैंगलोर की जॉब खराब है, नहीं यार, हर एक जॉब के अपने पर्क्स होते हैं, उसमें वर्क लाइफ बैलेंस है, ग्रेजुअल लर्न करते हो, देर आर मोर चांस कि आप ऑन शोर चले जाओ, फॉरन लोकेशन पे चले जाओ, मोबिलिटी की चांसेस अच्छी रहती है. लेकिन हाँ, मतलब सबके अपने बेनिफिट्स हैं, सबके अपने नुकसान हैं, लेकिन हाँ, जस्ट द बॉटम लाइन इज कि नहीं यार, वो बैंगलोर ऑफिस में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम नहीं होता, वो मुंबई ऑफिस में होता है, छोटी सी टीम होती है. सो आप कोई भी बड़े MNC को देखोगे, इन्वेस्टमेंट बैंक को देखोगे, बैंगलोर में उनकी हेडकाउंट रहेगी 5,000-6,000, मुंबई ऑफिस में रहेगी 100-120, और वो 100-120 में भी 25 से 30 लोग होंगे जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल में होंगे, बाकी कुछ और रोल्स में होते हैं. सो दैट्स द लेवल ऑफ डिफरेंस कि यार एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बैंक में बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अ हैंडफुल गेट एन अपॉर्चुनिटी इन टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल. तो उसमें भी अट्रिशन बहुत कम होता है, बिकॉज समवन हु हैज ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ गया है. सो शिफ्ट होते हैं कंपनीज, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पीपल करियर उतने जल्दी स्विचेस नहीं करते हैं, बिकॉज इतने पैसे लोग पे कर लेना नहीं चाहते हैं. तो वो डिफरेंस है. सो व्हेनेवर कोई भी सीए है या आपकी क्लियर हो गई है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंक से ऑफर आ रहा है, तो आप उस माइंडसेट से मत जाओ कि यार आप जाके एकदम कुछ बहुत तोड़ फाड़ डील्स वाले काम करने वाले हो. पैसे वो सब बैंक्स भी बहुत अच्छे देते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है, आपको ऑनशोर जाने का चांस मिलता है, आपको फॉरेन ट्रेनिंग्स के लिए भेजा जाएगा, टू मीट अमेजिंग पीपल देयर. पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल जितना नहीं होता है, एंड डेफिनेटली जो आप काम करते हो उसमें थोड़ा फर्क रहता है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बैंगलोर ऑफिस वाला काम भी काफी पैशनेट हो उसके लिए, लेकिन हाँ, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल एंड एन इन्वेस्टमेंट बैंक का काम. वाओ, ब्यूटीफुली यू लेड इट आउट, ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छा आपने डिस्क्रिप्शन दिया. नाउ अगर हम बात करें एक अर्ली प्रोफेशनल की, जिसने आप मान लो या तो वो सीए में है या किसी और डिग्री में है, ACCA, CPA या CFA कर रहा है या FRM कर रहा है, उसके दिमाग में एक करियर पाथ है यार कि मुझे इस फील्ड में जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है आगे, तो उसके अर्ली स्टेज ऑफ द करियर में आप उसको क्या एडवाइस दोगे जो कोई भी प्रोफेशनल डिग्री परस्यू कर रहा है? सो फर्स्टली, अगर आपको जो भी आप एक करियर जिसमें बनाना चाहते हो, बीएड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इट्स कनेक्ट टू पीपल जो ऑलरेडी उस लाइन में हैं, एंड आप समझिए कि यार वो काम एक्चुअली है क्या. सो बहुत लोग का जो पैशन या जो बोलते हैं कि यार आई वॉन्ट टू मेक अ करियर इन दिस एरिया, दैट्स ड्रिवन बाय द फैक्ट कि यार उनके दोस्त क्या कर रहे हैं या जनता क्या कर रही है. सो बहुत लोग मुझे लाइक लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों ने बोला यार, कॉल करके कि भैया मुझे या सर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. तो मैंने पूछा यार चलो आप तुम बस इतना बता दें इन्वेस्टमेंट बैंक ठीक है. And I have received vaguest of replies कि हाँ सर स्टॉक मार्केट में बाई सेल करेंगे, ये कर लेंगे. नहीं यार, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक अलग एरिया होती है, वो लोग स्पेसिफाइड काम करते हैं. कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक IPO पे फोकस्ड है, कुछ मर्जर एक्विजिशन पे फोकस्ड है, कोई डेट सिंडिकेशन पे फोकस्ड है. तो एटलीस्ट आप जहाँ पर भी करियर बनाना चाहते हो, उस इंडस्ट्री या उस जॉब के बारे में आप पूरे चीज अच्छे से समझो कि यार अगर आप ऑडिट भी कर रहे हो तो यार आप समझो कि यार मुझे स्टार्ट ऑडिट में करियर बनाना है कि यार 2 साल बाद हाउ डज द करियर लुक लाइक. तो मे बी आपने जो आर्टिकलशिप में जो एक स्टार्ट ऑडिट किया है, एंड प्रॉब्ली वंस यू जॉइन अ फुल टाइम, या प्रॉब्ली व्हेन यू बिकम अ मैनेजर या एसोसिएट सीनियर डायरेक्टर, सबका एक जॉब प्रोफाइल अलग होता है. तो आप जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट लाइक करता है, आप उसको और रिसर्च करो, लोगों से मिलो, लोगों से समझो क्या होता है, देन डिसाइड ऑन अ करियर प्रोस्पेक्ट कि हाँ यार आपको यहाँ करियर बनाना है. एंड ऑलवेज इट्स बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि यार आप जहाँ बनाना चाहते हो वहाँ नहीं बनता है. तो ऑलवेज हैव अ कपल ऑफ करियर इन माइंड कि यार चलो मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत पसंद है तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहता हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया तो आई हैव अ करियर इन माइंड कि या तब मैं ये करियर ले लूंगा या ये सेक्टर चूज कर लूंगा. सो अगर आप समवन इज रियली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यार, तो अगर आप सीए कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, सीएफए कर रहे हो,
द एम इज कि यार आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखो, आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो, आप अपने पर्सनल्स पे वर्क करो. पर्सनल इज बेसिकली एक कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है. तो वो लोगों के यूजुअली लाइक गिवन की कोई प्रोफेशनल कोचिंग या प्रोफेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू नहीं जाया होता है, तो लोग उतने अच्छे से ये सब आंसर नहीं कर पाते हैं. अगेन ये सब MBA कॉलेजेस में देयर इज अ प्रॉपर सेशंस होते हैं, सीनियर्स होते हैं जो गाइड करते हैं कि हाँ व्हाट डज अ कंपनी एक्सपेक्ट, कि जब ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इन क्वेश्चंस को आंसर करने का एक पैटर्न होता है ना, एंड कैसे आप एंड फर्स्ट क्लियर. हाँ इस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यार कभी ये सब चीज कॉपी मत करना. सो बहुत लोगों ने किया है कि वो दोस्त का उठा के उसने स्ट्रेंथ बता दी, अपनी वीकनेस बता दी, एंड जब इंटरव्यूअर पूछा कि एक एग्जाम्पल दे दो, आप बोल रहे हो कि आप फोकस्ड हो तो एक एग्जाम्पल दे दो, तो बंदे ने वो एग्जाम्पल भी नहीं दे पाया. तो इफ यंग प्रोफेशनल इज देयर, यार ये सब पे फोकस करो, अंडरस्टैंड किया. अगर आप एक IV की इंटरव्यू दे रहे हो तो क्या क्या चीज पूछते हैं, तो अगेन एक दिन में तो प्रेप कर नहीं पाओगे आप. तो पता रखो कि यार आप जहाँ भी जो जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. जो इंटरव्यूज होते हैं दैट इज लार्जली ड्रिवन बाय द ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट, एंड आप ग्रेजुअली उसके लिए प्रिपेयर करो. आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज चूज करने से पहले एक मॉडल फाइनेंशियल मॉडल बनाने बोलेगी, एक कंपनी की रिपोर्ट बनाने बोलेगी. तो अंटिल अगर आपको पता नहीं है कि फाइनेंशियल वैल्यूएशन कैसे होती है, मॉडलिंग कैसे होता है, रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं, तो वो इंटरव्यू नहीं कर पाओगे क्लियर. तो आगे ये एक दो दिन की बात नहीं है, दैट्स इट. सर काफी टाइम लगता है उसे प्रिपेयर करने में, उसे समझने में. अगर आप 10-20 रिपोर्ट मॉडल खुद बना चुके हो, देन यू आर एबल टू मेक अ मॉडल इंडिपेंडेंटली ऑन योर सेल्फ वेन गिवन इन एन इंटरव्यू. तो आप कोई भी जगह हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक हो, अगर तो आप कोई जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल में आप उसे समझो यार अब डेली बेसिस पे बनता जॉब में क्या करता है, देन ग्रेजुअली आप समझो कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होते हैं, एंड आप धीरे धीरे अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करो. अगर आप CA किए हो या CFA किए हो तो ऑलरेडी आपके पास काफी टेक्निकल नॉलेज है, सो टेक्निकल में आप कहीं कमी नहीं हो. इट्स जस्ट दैट कि वो जॉब की रिक्वायरमेंट है कुछ एडिशनल स्किल्स या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की, वो आप ग्रेजुअली टाइम स्पेंड करके लर्न करो, एंड यू कैन बिकम अ गुड कैंडिडेट फॉर अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल. सो मतलब एंड डेफिनेटली यार आप जब भी कंपनीज में टाइम स्पेंड करते हो आप, तो ऐसा कभी मत करना कि आप ओके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे जॉब नहीं मिल गया तो आप जॉब छोड़ के बैठे हो. यार जो भी जॉब मिल रहा है मिलो, डेफिनेटली हर जॉब में काफी लर्निंग्स होती है, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस रहता है. आप कुछ भी नहीं सीखते हो तो यार वो कंपनी के कल्चर से अब एक मैच्योरिटी आती है. एक हम जो एक आर्टिकलशिप में कर रहे होते हैं, जो एक बाबू फोन्स में जा जाके ऑडिट करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट हाँ जब आप एक टॉप एक MNC में एम्प्लॉयड होते हो तो आप काफी कुछ सीखते हो. So probably in case you end up getting a investment banking job later on, वो काफी help करेगा आपको वहाँ पर. So for a CA opportunities मिलती है, लेकिन हाँ यार there's a lot to learn outside a CA curriculum. So आपको कभी भी ये सब doubt आए कि यार क्या चीज़ सीखना है, so आप LinkedIn पे search करो, network use करो, and find out people यार जो CA करके investment banking में गए हैं, and they will give you a list कि नहीं यार मैंने ये सब extra किया था, मेरे इंटरव्यू प्रोसेस वैसे थे. एंड अब अपने आप को ट्राई करो कि आप उस तरह में उस ढांचे में अपने आप को डाल सको, ताकि आपको भी उस टाइप के रोल मिल सके. ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही. डेफिनेटली किसी को भी अपने अर्ली करियर में अपने लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रेंट्स आप बोलोगे, जैसे आपने बोला किसी भी ढांचे में आप ढल जाओ, आप ऐसा अपना कैरेक्टर और अपनी पर्सनैलिटी रखो, ये इतना इम्पोर्टेंट है आजकल. क्योंकि मैं अगर प्रोफेशनल्स की बात करूँ ना, तो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पर्सन, हर दूसरा इंसान ये बोल रहा है कि मुझे या तो ऑडिटिंग नहीं करना, या मुझे टैक्सेशन नहीं करना, या मुझे कंप्लायंस रोल्स नहीं करना, मुझे फ्रंट एंड रोल्स करना है. अच्छी बात है करना है, लेकिन आप जब तक एक कंप्लायंस का पार्ट नहीं सीखोगे आप फ्रंट एंड में कैसे जाओगे. कहीं ना कहीं आपको क्लाइंट से डील करना आना चाहिए, तभी आप फ्रंट एंड में मूव कर पाओगे. उसके लिए स्किल्स चाहिए, स्किल्स पे वर्क करो सब. एंड आशीष ने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है ऑलरेडी. आई हैव नथिंग टू ऐड टू इट. ग्रेट. सो एनी लास्ट टिप आशीष फॉर एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस वीडियो? यस. सो अगेन मेरी पर्सनल फिलोसॉफी रही है ना कि यार आपको कोई भी डिग्री आप करते हो, दैट कैन हेल्प यू गेट अ इनिशियल जॉब. बट आप जॉब में कैसे ग्रो कर रहे हो, या आप जब शिफ्ट करते हो एक जॉब से दूसरी जॉब, तो वो डिग्री यूजलेस हो जाती है. तो आपने जॉब में क्या सीखा, या आपकी टेक्निकल स्किल्स कितनी अच्छी है, आपने अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है चीज़ों की, आप अवेयर कितने हो चीज़ों से, सो इट ऑलवेज दैट की जो डिटरमाइन करता है कि हाउ यू मूव अहेड इन योर करियर. सो
कोई नेवर लाइक डिग्रीज करने इम्पोर्टेंट है बट द फोकस इज ऑन लर्निंग. तो अगर आप सीएफए भी कर रहे हो या सीए कर रहे हो तो ऐसे मत करो यार कि एसएफए में 40 नंबर लाने हैं तो बस एक बार किसी तरह 40 जितना प्रिपेयर कर लो, आप कैपिटल बजटिंग स्किप करके जा रहे हो. नहीं यार, एक अटेम्प्ट लेट करो, लेकिन जो भी आप 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फाइनल में तो उसे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझ के पढ़ो, अच्छे से इंजॉय करके पढ़ो. क्योंकि आज का कोई बोल ले कि यार मुझे तो लॉ में नहीं जाना है तो लॉ क्या परस्पेक्टिव, लॉ क्या इंपॉर्टेंस है. नहीं यार, हर एक करिकुलम जो सीए इंस्टीट्यूट ने इतनी एफर्ट से आपकी 8 डिफरेंट एरियाज को कंबाइन करके फाइनल एग्जाम लेते हैं तो हर एक की वैल्यू है. सो जस्ट एग्जाम क्लियर करने के लिए मत करो, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे तो यू रियलाइज कि 5 साल 10 साल बाद भी आपको अंडरस्टैंड है चीज को. सो लाइक आई हैव मेट पीपल जो एक 55 साल 56 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड वो जो हमारे सीए में रहता था कि डायरेक्टर्स क्या होती है, एजेंडा क्या होती है मीटिंग की, एंड ही कैन एक्चुअली जस्ट रेप्लिकेट बुक में क्या लिखा है. एंड आई थिंक उसे पास, उन अंकल को पास हुए 35 साल हो गए हैं. तो जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने टाइम पे बहुत अच्छा से पढ़ा था, समझ के पढ़ा था, ही इज अवेयर कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन्हें आज तक याद है वो. सो रादर देन जस्ट की आर फोकसिंग यार कि चल सीए क्लियर करते हैं या कोई सीएफए क्लियर करते हैं, जॉब लेते हैं यार, जिस दिन आप सीए क्लियर करोगे एंड यू एंटर द जॉब मार्केट, जिस दिन भी आप कोई कोर्स क्लियर करोगे एंड यू एंटर द जॉब मार्केट, यू रियलाइज कि द इजियर पार्ट इज डन, नाउ द डिफिकल्ट पार्ट स्टार्ट्स. सो रादर देन कि आप जस्ट क्लियर करने के माइंड सेट से ऑलवेज हैव अ करियर इन माइंड कि यार चल अटेम्प्ट तो एक या नहीं तो दो अटेम्प्ट में सीए बने जाओगे, लेकिन हमेशा फोकस करो कि यार हाउ यू कीप लर्निंग थिंग्स, हाउ यू कीप डेवलपिंग स्किल्स जो आपको वो सीए बनने के बाद हेल्प करे. एट सीए इंस्टीट्यूट ने करिकुलम वैसे ही डिजाइन किया है, बहुत एफर्ट किया है, लोग टीचर्स एफर्ट डालते हैं, जस्ट दैट की एक मानसिकता है कि नहीं यार पढ़ना हमें 400 लाने के लिए है या अगर मुझे रैंक लाना है तो 550 लाने के पढ़ना है. आप चीज को एंजॉय करो एंड डेफिनेटली आप रियलाइज करोगे कि वेन अगर आप चीज को एंजॉय किए आपको चीज की रिटेंशन भी अच्छी है एंड आप दैट यू एक्चुअली ग्रो कर पा रहे हो अपने करियर और लाइफ में. Agreed, agreed, absolutely. So amazing, Ashish. I think ये video एक gold mine है जो भी investment banking में जाना चाह रहा है उसके लिए. आपने जो tips और experience अपने share किए हैं, nobody can you know actually say that equivalent to this knowledge any knowledge is out there. Yes, so yes for all the audience, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें MBA के लिए जाना चाहिए या नहीं, हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इस पे. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें कैट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, कितना टाइम देना है, कितना एफर्ट देना है, जॉब के साथ करें या नहीं, तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इस पे. दोनों का लिंक मैं इसके साथ डाल दूंगी, आप उस पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो. एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी आई होगी कि आपके करियर में आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ जाना है, नहीं जाना है, और अगर जाना है तो किस तरीके से जाना है, कौन से टिप्स यूज करने हैं, क्या पर्सपेक्टिव रखना है आपको, इस सब की आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी. लाइक करना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड येस, आई एम लिंकिंग आशीष का लिंक्डइन प्रोफाइल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. रीच आउट टू हिम पर्सनली, शावर योर अप्रिसिएशन ऑन हिम. उन्होंने इतना आज टाइम और एफर्ट लगाया है आप सबसे इंटरैक्ट करने में, आप सबको ये सब टिप्स देने में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट में लिखिए, आशीष के डीएम में जाके उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए. एंड येस, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. A very heartfelt thanks to Ashish. Thank you for agreeing to this video again. And hopefully we'll see each other in another collaboration. Thank you. Definitely. Much pleasure.